मैं हाँ चंचल मनोहर सिंह, तुसी देख रहे हो अमृत प्रसार चैनल। आप सब जी का बहुत बहुत स्वागत है। गल करते हैं ऑपरेशन लोटस, बीजेपी का ऑपरेशन लोटस जो पंजाब चर्चा के अधीन है। ये इवें होया है जिवें कि बद नालों बदनाम बुरा। फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब हरपाल चीमा ने दोष लाता कि 25-25 करोड़ विच आपदा MLA खरीदन दी स्कीम है बीजेपी दी। बीजेपी दा ऑपरेशन लोटस पंजाब विच एक्टिव है। उन्होंने कहा कि साढ़े MLA नूं तोड़न दी कोशिश की जा रही है। इन्हें दे संगीन दोष लगा के उन्होंने कहा कि MLA उन्हां तों टुट नहीं रहे, MLA मन नहीं रहे, और उन्होंने मनाने लई ED ते इनकम टैक्स की मदद भी ली जा रही है। पर हले तक कोई MLA नहीं टुटिया और किसी MLA ने भी जवाब या प्रेस कॉन्फ्रेंस ये नहीं करके कि मैनू बीजेपी के लीडरों ने अप्रोच किया। हुण मूँह छुपाने लई बीजेपी के लीडरों ने पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जी को एक मेमोरेंडम देता जिस विच उन्होंने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के जज तो इस दोष की इनक्वायरी कराई जाए कि बीजेपी 25-25 करोड़ विच आम आदमी दे MLA खरीदन का जिहड़ा प्रोग्राम है वो सच्चा है कि झूठा है। इस दी तह तक पहुंचने लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज तो इनक्वायरी मंगी है। इवें लग रहा है कि बीजेपी ते मोदी अते शाह दी जोड़ी जो कि होर कई प्रांतां विच ऑपरेशन लोटस विच कामयाब हुई जिवें महाराष्ट्र शिवसेना की सरकार तोड़ी, मध्य प्रदेश तोड़ी, कर्नाटका च तोड़ी, अते हुणे जे ही उन्होंने एक दो दिन पहले गोवा विच कांग्रेस के 10 MLA जिहड़े ओ तोड़ ले, उन्होंने पार्टी विच शामिल कर लिया। और इसे तरह ही ममता बैनर्जी दे वेस्ट बंगाल विच 3 MLA नूं 50-50 लाख रुपए नाल रंगे हत्थी फड़ लिया उन्होंने अहंकारा चो निकली। सो इस प्रकार एक इमेज बन गया बीजेपी का। और मोदी जी ते अमित शाह जी इस जोड़ी का भी ये इमेज बन गया कि ये अपोजिशन दियाँ सरकारां तोड़न विच बड़े माहिर हन अते सरकारां तोड़न विच ये ED इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ते CBI की पूरी मदद लैंदे हन अते उन्हां राहीं धमकियां भी दित्तियां जांदियां हन कि जेल च रहोगे जेकर तुसी बीजेपी च आ जाओगे, सुखी वसोंगे, मौजां करोगे, करप्शन का पैसा भी तुहाडे कोल ही रहेगा और तुसी पैसे का आनंद भी माणोगे, तुहाडे परिवार भी माणोगे। तुसी फैसला करो तुसी जेल च जाना है कि बीजेपी जाना है। विरोधी पार्टियां दे जो करप्ट मिनिस्टर ते MLA जा जिहड़े साबका मिनिस्टर है जा MLA है, मैंबर पार्लियामेंट है, उन्होंने करप्शन नाल जो दौलत इकट्ठी की है, अपनियां जो उन्होंने संपत्तियां बनाईयां, उन्हां दा आनंद माणन लई उन्हां लई बीजेपी ज्वाइन करनी इवें ही है जिवें नरक विचों स्वर्ग विच जाना है। सो बीजेपी पार्टी जिहड़ी देश की सब तो वड्डी पार्टी है वो करप्ट सियासत दयाना लई एक स्वर्ग का झूठा बन गई है। इस करके जेडे करप्ट MLA होंदे हन नाले तो उन्हां नूं मोटियां रकमां मिलदियां
ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਨਸੂਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸੂਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ BJP ਉਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਂਗਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੀਬੀਜ਼ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਰੇਵੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ BJP ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਰਤਾ ਜਿਹਨੇ ਕਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਦਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ। ਤੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ। ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸੋਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 25-25 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ MLA ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ MLA ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ BJP ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ BJP ਦਾ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ। ਤੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ FIR ਦਰਜ ਕਰੇ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ FIR ਕਦੀ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 92 MLA ਸੇਫ ਹਨ, ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ BJP ਦਾ ਲੋਟਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, BJP ਦੇ ਸਿਰਫ 2 MLA ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 3 ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 54 MLA ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ MLA ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕੀ BJP ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ 2 MLA। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ BJP ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਏਗਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ BJP ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਜਾਪਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ। ਪਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਨਿਆਰਿਟੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੁਣ
निचोड़ निकलता कि बीजेपी दे जड़ी पंजाब इकाई दे लीडर हैं वो थोड़ी बहुती भगवंत मान की सरकार नू शेकी करना चाहते हैं, उन्हों हलाना चाहते हैं। भगवंत मान तो इस वेले जर्मनी विच बैठे हैं, मुख्यमंत्री एक डेलीगेशन लैके गए हुए हैं, इंडस्ट्रियल उत्थे एग्जीबिशन है। लेकिन इधर ऑपरेशन लोटस जेड़ा वो जारी है। ये नहीं कहा जा सकता कि हरपाल चीमा जी वालों लाए गए दोषां च कोई तथ्य नहीं है। सिर्फ ये है कि भी ये जेड़ा उन्होंने दोष नूं वड्डा करके एक लफेड़ा मारिया पंजाब बीजेपी दे मूँह ते कि 25-25 करोड़ ये उन्हां दी स्ट्रेटजी का हिस्सा है जिदे चों कामयाब हो गए। और बीजेपी जेड़ी है भगवंत मान जी दी सरकार नूं जड़ों हिलाण दी शेकी करन दी जा कमजोर करन दी किन्ने भी कोशिश कर ले उदी संभावना बहुत घट लगती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को 92 MLA नाल सरकार बनी है। ये इन्नी वड्डी गिनती है कि इन्नी वड्डी गिनती विच पाड़ा पाना दुफाड़ पाना जा कुछ मंत्रियां MLA नूं मंत्रियां दी शिप दा लालच देना जा कुछ होर करना वो काफ़ी कठिन जापदा है। तो अंत ते यही कह सकते हैं कि बद नालों बदनाम बुरा। तो बीजेपी का ऑपरेशन लोटस है या नहीं है, पर पंजाब दिया गली मल्ले और पिंडा च सब जगह ये नशर हो गया कि आम आदमी दी सरकार तोड़न लई बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस जारी करता है, एक्टिव है और भी तो 25-25 करोड़ रुपए MLA दी कीमत रखी है। इस चर्चा नूं असी इत्थे ही खत्म करदे हां। धन्यवाद।